हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप, मेरे भागी ढाबा चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज के व्लॉग में भी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मंडी में। आप देख सकते हो बाइक निकाल ली है और मंडी से होते हुए ढाबे भी चलेंगे और देखते हैं क्या कुछ मंडी में सब्जियों के रेट हैं और आज कैसा रहता है काम धाम होटल का। तो चलते हैं। कल तो काफ़ी अच्छा था, कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था तो उम्मीद थी नहीं कि कल जा सही काम होगा, बट अच्छा था और आज देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई अभी हम मंडी में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो, और अभी यहाँ से ले रहे हैं टमाटर 5 किलो और 10 किलो नीचे 5 किलो चाहिए। हाँ जी, 5 किलो भर दो, 5 किलो तो भर दो भाई। यहाँ से भाई से ले रहे हैं हम नींबू 2.5 किलो। ये बड़े वाला नींबू है जो इसमें तो रस होता नहीं है और छोटे वाले में काफ़ी बढ़िया रस है। तो यहाँ से नींबू लेते हैं और नींबू लेने के बाद गाजर लेनी है 3-4 किलो। तो गाजर भाई यहाँ से हम ले रहे हैं गाजर। यहाँ पे गाजर पूरी मंडी में एक तो यहाँ मिलेगी और एक आपको इधर मिलेगी, आज उधर भी नहीं है। तो यहाँ से लेते हैं गाजर और गाजर ले कर आगे से लेना है धनिया पत्ता और फिर चलेंगे तावे पे। तो ले लेते हैं गाजर 3 किलो और 60 रुपये किलो गाजर बोल रहा है भाई। धनिया क्या रेट है? 150 दे दियो आधा किलो। तो भाई यहाँ से धनिया ले और आधा किलो 150 रुपये किलो धनिया है तो आधा किलो ले लेते हैं, बाकी कल ले जाएंगे। धनिया गल जाता है फ्रिज में रखते हैं तो आधा किलो दे दे भाई। भाई ये है अनाज मंडी बल्लभगढ़ की, आप देख सकते हो आज इसी के अंदर से हम जा रहे हैं बाहर। सब्जी मंडी के अंदर से तो जाम लगा हुआ था तो ये रास्ता भी पड़ता है कि बाहर निकलने का, तो यहाँ से निकल जाएंगे भाई। अभी हमने यहाँ से पर्ची बनवा ली है आटा की और रिफाइंड की, तो अभी चलते हैं सीधे वहाँ पे आटा लेने। ये एजेंसी है, वहाँ से पर्ची बनवानी पड़ती है और अभी यहाँ पे आ गए हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे दिखाई दे रहा है काफ़ी आटा है यहाँ पे, चकमील का आटा, चक्की आटा, मैदा, मतलब बेसन वगैरह सब चीज़ यहाँ पे है। और अभी वो ला रहा भाई कट्टा, तो कट्टा लोड करवा देते हैं बाइक पे और फिर चलेंगे ढाबे पे। मेरे को वापिस आना पड़ता है अभी, देखो ये आ गए भाई साहब तो डाल दे भाई। चलते हैं भाई ढाबे पे और अपना सारा सामान आ चुका है, आटा भी ले लिया है, दूसरा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा मुझे और सब्जी होगी है और ये पेटी होगी है। तो चलते हैं भाई। अभी हम ऑटो पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो ये हमारा जमूरा भी है। ना क्या आया कि नहीं आया? ना क्या ना क्या है? ठीक ठीक ठीक। तो अभी तंदूर आप देख सकते हो चालू है, आज ये भट्टी लगा रखी है। आज बुझ गया कैसे? नहीं आग था, गैस नहीं निकल रहा था इसलिए। तो आप देख सकते हो भाई ये इस तरीके से हम चलाते हैं, धुआं नहीं करते बिल्कुल भी तंदूर में, और पोल्यूशन वाली जो चीज़ होती है वो वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। हम गैस से ही चलाते हैं तंदूर को और पोल्यूशन नहीं हो पाता है जिसके कारण। तो अभी ले आइयो तो भाई। अभी हम जा रहे हैं ठेके वालों का खाना देने और अभी आप देख सकते हो दिन के 12:30 हो चुके हैं और 5 खाने का दूसरी कंपनी का भी ऑर्डर आ चुका है। तो वो अभी मैंने फ़ोन कर दिया जीतू के पास, तो ये सेक्टर 3 वाला ठेका ये भी आ चुका है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे खाना देके वापस जाते हैं और खाने तैयार करवाते हैं। ये है भाई ठेका सेक्टर 3 का भाई। अभी हम ठेके पर आ चुके हैं खाना देने, आप देख सकते हो, और अभी खाना दे देते हैं यहाँ पे। लो भैया 150। जीएसटी से आज कम लग रहा ना, अकेला है ना इसलिए जीएसटी से कम लग रहा है। वो बोझ नहीं है वो कहाँ गया? इसका भी क्या खर्चा चलता है, हमारा 2 का चलता है। ठीक ठीक, कम देना पड़ता है। रोटी नहीं खाएगा तो ज्यादा पैसा दे देता है।
तो भाई चलते हैं सीधे ढाबे पे, अभी दे दिया खाना। तीन दाल एक पनीर, रोटी ठीक ठाक सही है, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, तू ऐसे सेक दे। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं शाम के 5 और अपना शाम की तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हो सारी साफ सफाई, कुर्सियाँ वर्सियाँ सब लगा दी हैं और अभी सभी बंदे इधर उधर गए हुए हैं क्योंकि 5-6 और 6 के बीच में रेस्ट रहता है। तो अभी ये सामने रोड बन रहा है, आप देख सकते हो उसी के लिए ट्रक आया हुआ है। मसाला जो है डिवाइडर बना रहे हैं बीच में फिलहाल, अभी ये वाला ये डिवाइडर। तो दिन में तो देखा जाए तो काम धाम इतना था नहीं ज़्यादा, तो अभी शाम को देखते हैं कैसा रहता है काम धाम और शाम को दिखाते हैं और वीडियो के एंड में बताएंगे आपको कैसा काम धाम था आज का। और वीडियो में वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। ये अपना तंदूर है, ये लगाया है अपना, पहले तवा रोटी का ही काम था तो अभी तंदूर चालू किया है, तो अभी इसमें ज़्यादा वो है नहीं, रोटियाँ निकल नहीं रही है। तवा रोटी को ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं लोग क्योंकि तवा रोटी को ही हमें जानते हैं लोग। तो भाई अभी हम आए हैं सेक्टर 10 में, अंकल जी हैं केड़े वाले, इनको खाना देने और अपनी काफिला फोर्टर में कंपनी में खाना देने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो नवरात्र के उपलक्ष्य में कैसे मार्केट को सजा रखा है, आप देख सकते हो दोनों साइड लाइट ही लाइट है। और अभी हम चलेंगे सीधे होटल पर वापस और दिखाते हैं कैसा रहता काम धाम। तो अभी चलते हैं सीधे होटल पे। ये देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से नवरात्रि में ये सजा रखी है मार्केट सेक्टर 10 की। अभी बारिश आ चुकी है और रास्ते में मैं सेक्टर 10 से वापस आ रहा हूँ होटल पे, तो बारिश आ चुकी है, आप देख सकते हो मार्केट कैसे बारिश आ रही है मौसम। और अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ रामा भोजनालय पे, तो यहाँ का माहौल देख लेते हैं जब तक बारिश आ रही है। ये है भाई रामा होटल, रामा भोजनालय, शुद्ध रामा भोजनालय। भाई अभी बारिश में भीगते भीगते अपने होटल पे पहुंच चुके हैं, अब अपने होटल का हाल देखते हैं। ले भाई पहुंच चुके हैं, यहाँ भी भीड़ हो रखी है। हाँ है नहीं क्या, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30 और अभी हम ठेके वालों का खाना देने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी अभी आज शाम को अगर देखा जाए तो शाम को ज़्यादा काम धाम मतलब ठीक ठाक था, दिन में काफ़ी कम था काम आज और अभी शाम को थोड़ा ठीक था काम। तो आज का नवरात्रि का दूसरा दिन था, कल संडे था इसलिए काम दिन में भी सही था और शाम को। अभी आप देख सकते हो अभी भी आ रहे हैं कस्टमर और आते रहेंगे, हम देते रहेंगे सर्विस क्योंकि अभी 10:30 हो चुके हैं, 11:15 बजे तक हम चलाते हैं होटल को। और अभी मैं ठेके वालों का दे आता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और चलते हैं ठेके वालों का खाना देने। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।